पाकिस्तान ठीक उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जैसे हालात कुछ वक्त पहले श्रीलंका में थे। श्रीलंका में आपातकाल लगा, तब भारत ने मदद का हाथ बढ़ाकर स्थिति को संभाल लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कोई काम नहीं किए जिससे उसकी मदद को कोई मुल्क आगे आए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान बर्बाद मुल्क बनने जा रहा है? क्या वहाँ के हुक्मरान सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? क्या आवाम ऐसे ही रोजी रोटी को तरसती रहेगी? जो लंका में हुआ वो अब पाकिस्तान में होगा। जैसे लंका लुटी वैसे पाकिस्तान पाताल में पहुंचेगा, जैसे लंका का दमन वैसे पाकिस्तान पस्त होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान उन हालातों में पहुंच चुका है जैसे हालात में एक वक्त में श्रीलंका था, और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज पाकिस्तान में रोटी नहीं है, आज पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, आज पाकिस्तान में आवाम कराह रही है, आज पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ तस्वीरें श्रीलंका की हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें पाकिस्तान की हैं। जगहें अलग हैं, हालात एक। अगर श्रीलंका में महंगाई सातवें आसमान पर थी तो पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम है। अगर श्रीलंका में तेल खत्म हो रहा था तो पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगर लंका में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था तो पाकिस्तान में खजाना खाली हो रहा है। और इस सब के ऊपर सबसे भयानक ये तस्वीर है, जब राजतंत्र से परेशान होकर श्रीलंका के लोग प्रेसिडेंट हाउस में जा घुसे थे। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भागना पड़ा था, सरकारी इमारतों पर लोगों का कब्जा था, चारों तरफ अराजकता हावी थी। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही हालात हैं। हालांकि अभी सरकारी इमारतों पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन रोटी के लिए भगदड़ मची है।